थ्री हेलो नमस्कार फ्रेंड, आइए मेरे साथ। आज मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। यहाँ पे बाहर मेरा पेड़ है, यहाँ से है हमारा ये गेट हो गया। ये है भाई बड़ा खुला पूरा बड़ा आंगन। पड़ी काटन की मशीन या एक चारपाई उधर पड़ी है हमेशा बैठन खातर। ये एक मना ये नई बैठन जिसका पूरा काम मुझे हो गया है। जो काम अच्छा है एक बैठक एक स्पेटी बनाया गाड़ी मोटरसाइकिल स्कूटी के लिए बरामदा एक बाथरूम टॉयलेट इनका काम अभी अधूरा है। यह है पानी की टंकी डिग्गी जो भी बोलो भैंसा खाती। ये हमारी भैंस है, एक गाय है, एक बच्ची है, तीन ही डांगर है बस इतने ही हमारे। वो पुरानी टॉयलेट होता है ये बच्चा ये बात है पूरा मेहमान गाय दूध खोलती है जितना तो उसका दूध का पूरे की वो लोहे का जो ये बोल रहे ना खिड़की जो भी बना रखे है वो है पूरे इसमें अंदर करके दूध निकाला करें। या है एक पानी की टंकी ताज़ा पानी भर के ऊपर सिल्ली लगा के कागज लगा के बंद करके रखते हैं ज़रूरत हो तो पानी निकाल ले गर्म। या एक प्लास्टिक की टंकी पानी की ताज़ा पानी की पूरा ऊपर चढ़ जाओ पानी बाथरूम पर वह तूड़ी के कमरे एक ये और ये दो बड़ा है तूड़ी का कमरा ठीक है। ये है अंदर की गेट यो भाई मैंने गेट हूँ सीधा रखा पहले था पुराना मकान पर ये भी है। ये एक माठा खोरा जो भी पड़ा है एक टूटी लाग रही है पूरा पानी भर रहा ताज़ा ताज़ा पानी भर लिया जो कूलर में मंगा दें या अपना कल्टीवेटर प्रोजेक्ट का ये पूरा कमरा था पीछे से तोड़ दिया वो। ये है हमारी पुरानी बैठक इसकी छात और वो कलर कलर सब दोबारा करवाया है। पूरे इन्वर्टर पड़े हैं एल ई डी लगा रखी है। ये देखो दीक्षित की फोटो लग रही है यहाँ। ये जो बोला हमारा माँ का कमरा है बैठक के रोटी बनाया करते पहले बाहर। ये मशीन पड़ी है सिलाई वो बिजाई की मशीन ये पहले पुराना चिल्ला जाना उधर कोई काम को नहीं बंद पड़े। ये आ रहा भाई तो वैसा में चाट चूट पकाया करा हम। यह है हमारी पुरानी रसोई अंदर पड़े मूंग दाल वगैरह जो भी है आटा दलिया दलिया चाट चूट सिस्टम सारा वो। और ये है भाई बाहर रेती बच गई थी जो इकट्ठी करके यहाँ ईंट लगा दी इसके ऊपर। तो है हमारी माँ का पुराना कमरा स्टोर रूम बोल दो शहर हम तो स्टोर रूम बोलते हैं। दो कणक की टंकी है और स्कूटी चार्ज लग रही है पूरा माची पड़ी है। और पहले उरे दादी माँ की संदूक भी थी वो दूसरी साइड ले गया और पूरा जो है एक्स्ट्रा सामान सारा ऊपर खिलौने खिलौने सब एक्स्ट्रा सामान। आपके घर में भी होगा कोई ऐसा कमरा चलो वो था मेन गेट। ये है अंदर का गेट आ जाओ। ये है इधर गेट में बढ़ते इधर हमारा चूल्हा आ रहा छोटा। ये सिलेंडर पड़े हैं इधर ही मेटल की बैटरी है और इधर है हमारी प्यारी सी छोटी सी रसोई
छोटी सी रसोई है भाई, शहर में घर किचन, गांव में रसोई, यहाँ रसोई है पूरा भैया। बर्तन मांजा करा के बोले करे गम राखुंडो राखुंडो मांग रहे हो ये बात तो भी नहीं ये अंदर रंगो लो बीजो भी भूल जाओ ये देख भाई मम्मी ने ये पीछे से ही लगवाया वॉलपेपर दीवारों में तो उसके अंदर करवा के फोटो ये हमारे पुजारी हैं दादाजी, ये मम्मी पापा और दादी, ये वो है हमारा संदूक का कमरा, संदूक ही संदूक है, दो अलमारी है, तीन संदूक है, तीन चार, ये हमारा संदूक का कमरा, एक कमरा है भाई ये है मम्मी का कमरा, मम्मी का बेडरूम कमरा, ये देखो मम्मी पूरे भी वॉल पेपर में फोटो फिट करवा रखी है, यह अलमारी मम्मी नहीं लेके आई है, यह मम्मी की संदूक, ये है भाई सिलाई मशीन, काम एक को है लेकिन बार रहा चार चार मशीन है, मतलब सिलाई मशीन चार को है, थाना लोग मेरे बोलिया करा मैंने पूजा कर पूजा कर गुरुदेव वहां थाना कमरे में देसी भाषा में, और एक फ्रिज पड़े है, ये स्लेप है, जो भी एक्स्ट्रा सामान है घर को खान पीन को घी चीनी चावल जो भी है सारो एक कमरे में बैठ, यह है इंटरलॉक की मशीन और यह है पिको की मशीन, ये अभी पूजा कर, ये तो हमारा घर, आपने किसी को लागे हमारा घर, किसी को लागे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारा घर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, धन्यवाद।